जब से कोरोना आया है पिछले 1.5 से 2 साल में 10 करोड़ से ज्यादा नौकरियां जा चुकी हैं। सरकार खुद मानती है कि 80 करोड़ लोगों को भारत में हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, मतलब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। इसके साथ साथ मैं इन सब चीजों पर डिटेल में बात कर चुका हूं कि स्थिति कितनी खराब है। अलग अलग रिपोर्ट आई जो ये कहती हैं कि लॉकडाउन पीरियड में बच्चे और एडल्ट जब घरों में रहे हैं तो उनके दिमागी विकास पर काफी असर आया और बच्चे जो हैं काफी एक दूसरे से सोशल नहीं हो पा रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में यूट्यूब फेसबुक मोबाइल फोन टीवी में इतने घुसे रहे कि वो मानसिक विकास नहीं हो पाया जो उनका होना चाहिए था। लेकिन अब एक और चीज सामने आई है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 17 अगस्त को एक वीडियो रिलीज किया और इस वीडियो का टाइटल था, वो भी हैरान कर देने वाला था, कि दिस इज हाउ आवर लाइफ्स कुड सून लुक। कुछ इस तरीके से हमारी जिंदगी आगे आने वाले समय में दिखेगी। लगभग ये जो वीडियो था 1 मिनट 49 50 सेकंड का वीडियो था और इसमें 5 पॉइंट पर बदलाव दिखाए गए कि हमारी जिंदगी इस तरीके से बदलने वाली है। पांचों पॉइंट सोचने लायक हैं, पांचों पॉइंट ध्यान देने लायक है और मुझे लगा कि ये आप तक पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद जैसा मैं कहता हूं कि बिना नैरेटिव के, बिना एजेंडे के, आप खुद अपना दिमाग लगाकर डिसाइड करना कि क्या आने वाली लाइफ, आने वाला भविष्य नॉर्मल होगा या न्यू नॉर्मल होगा, क्योंकि न्यू नॉर्मल कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकता। एक एक करके इस वीडियो के पॉइंट पर बात कर लेते हैं। साथ साथ मैं क्लिप दिखाऊंगा, पहला पॉइंट एक बार देख लीजिए। इसमें ये कह रहे हैं कि ऑफिसेज विल बी रीइमेजिन्ड, दोबारा से कह सकते हैं कि ऑफिसेज को दोबारा से बनाया जाएगा, सोच विचारा जाएगा। और ऑफिसेज में क्या होगा, मतलब ये जो वर्क फ्रॉम होम वाला कल्चर है ये चालू रहेगा और हो सकता है इससे लोग खुश हों कि अच्छा हो गया, घरों में बैठकर काम करने दिया जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है जो मेरी समझ में आ रहा है। कई लोग नहीं चाहते कि हम लोग घर से बाहर निकले। अब आप कहेंगे भीड़ भाड़ है, पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है, हमारे तो सेविंग हो रही है। ठीक है, यहां तक बातें ठीक है, लेकिन ऑफिसेज को क्या किया जाएगा, रिसर्च लैब बनाया जाएगा, क्लाइंटेज के लिए वो मीटिंग का एक वो होगा, क्या कहते हैं उसे, डेस्टिनेशन हम कह सकते हैं, रिसर्च लैब की तरह ऑफिसेज को तैयार किया जाएगा। और ये चीज मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि क्या ये हमको घर से बाहर निकलने के लिए मना ही कर रहे हैं या नहीं। ये अगले जो आने वाले पॉइंट है उनमर हो उन पर भी आप ध्यान दीजिएगा। जैसे दूसरा पॉइंट है उसमें ये है 15 मिनट स्पेसिस। पहली चीज, आपको वर्क फ्रॉम होम होगा, पेमेंट आपके अकाउंट में आएगी, सब कुछ डिजिटल होगा। सरकार ने खुद डिजिटल करेंसी पार्लियामेंट में पास कर दिया है, ये नियम, ये रूल पास कर दिया, 2030 तक आते आते सबको पता लग जाएगा। 15 मिनट के आसपास आपकी सभी चीजें होंगी, आपको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। पहली बात, घर से ही नहीं निकलना है, क्यों, ऑफिस भी घर पर ही होगा और सारे काम घर पर होंगे। दूसरी चीज, अगर किसी काम से निकलना पड़ा तो 15 मिनट के जगह दूरी पर सब कुछ होगा। और इसमें जो मेन बात आई वो ये होगी कि जिम बार या कुछ भी आप उसको कह लीजिए, वो 15 मिनट से ज्यादा दूरी पर नहीं होगा। तीसरी चीज जो आप इसमें देख रहे हैं, राइज ऑफ क्लाउड मार्केट्स। मैं अक्सर कहता हूं, जैसे अभी जोमेटो का भी उठा था, जोमेटो ने हजारों जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है, वो बंद कर दिए। इसी तरीके से जो सुपर मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, उन्होंने दुकानदारी खत्म कर दी है, लोकल बिजनेसेस को खत्म कर दिया है अमेजन जैसी जायंट टेक कंपनीज ने। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ अपने बेडरूम में चाहिए, अपने घर पर चाहिए। तो इनका क्या है, राइज ऑफ क्लाउड मार्केट होगा, सब कुछ ऑनलाइन मिलेगा, खाने से लेकर दाना पानी और सामान भी, कपड़े भी, सब कुछ ऑनलाइन होगा, जूते कुछ भी आपको चाहिए वो ऑनलाइन होगा आपके घर पर। फिर वही बात आती है कि हमें घर से बाहर निकलने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप घर पर ही रहकर काम कर रहे हैं, आपके ऑफिसेज को रीइमेजिन कर दिया है।
अगर कुछ निकलना है, कहीं बाहर निकलना है, तो 15 मिनट की दूरी पर निकलना है। लेकिन निकलना भी क्यों है? क्योंकि खाना पीना सब कुछ, कपड़े जूते या आपका कोई भी सामान है, वो आपको घर पर मिलेगा, क्लाउड मार्केट होगा, किसी चीज की जरूरत ही नहीं होगी बाहर, पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, वहीं से कट जाएंगे। चौथी चीज जो वीडियो में दिखाई गई है वो आप देख सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन बाय हार्ट बीट, मतलब मास्क कब तक लगाना है अभी तक नहीं बताया गया है, कितनी डोजेज होंगी वो नहीं बताया गया है, और ये मास्क क्या होगा, फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को ये इंटरप्ट करेगा। फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जब आपकी आएगी तो उसमें मास्क इंटरफेयर करेगा, इसीलिए वो आइडेंटिफिकेशन करेंगे हार्ट बीट से, हार्ट बीट से आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये टेक्नोलॉजी नासा ने बना ली है कि आपकी हार्ट बीट से आपको आइडेंटिफाई किया जाए, एक क्लिक में ही आपकी सारी डिटेल उनके सामने होगी। इसके बाद जो पांचवी चीज है वो ये कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और ये जो स्कूल लर्निंग है और ये जो बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग है, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। और ऑनलाइन लर्निंग की वजह से बच्चे नई नई चीजें सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही सीख पाएंगे। अभी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मानसिक स्थिति पर कितना असर पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो सोशल नहीं हो पा रहे, एक दूसरे के साथ मिल नहीं पा रहे। और जब ये दोबारा से इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, ऑनलाइन स्टडी ही की जाएगी, तो आप सोच कर देखिए बच्चों पर कितना असर होगा। एक बार मेरी बात पर, इन पांचों पॉइंट पर मुझे लगता है हमें सोच विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है, ये हमारी आने वाली भविष्य पर बहुत ज्यादा असर डालने वाली है, बहुत ज्यादा फर्क डालने वाली है, और हो सकता है पूरी तरीके से हमारी लाइफ को ये बदल कर रख दे। क्योंकि जब बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो रहा है और हम उनको डिजिटल वर्ल्ड, वर्चुअल वर्ल्ड, ऑनलाइन वर्ल्ड की तरफ लेकर जाएंगे, तो यकीन मानिए उनके मानसिक विकास पर, शारीरिक विकास पर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ने वाला है। जब हमें खुद को फिजिकल एक्टिविटी तो छोड़ दीजिए, घर से बाहर निकलने के लिए ही सोचना पड़ेगा। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि आपको बहाना नहीं मिलेगा घर से बाहर निकलने का, तो भी वो गलत नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपके सामने आएगा, चाहे वो सामान हो या कोई भी चीज हो, आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। क्लाउड मार्केट इतने बड़े होंगे, आपके ऑफिसेज को आपके घर में लाकर रख दिया जाएगा। और इन सब चीजों के कारण मुझे ये बताइए कि फिर आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत ही क्या है। तो जो मैं पहले कह रहा था कि आपको घर में बंद करने का एक तरह से प्लान है, और बहुत कम समय के लिए, शायद ही अगर आप घर से निकले, और निकलेंगे भी तो कितनी दूर, 15 मिनट की दूरी पर ही आप सबको सब कुछ मिल जाएगा। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं एक बार मुझे बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।